पिपराइज पुलिस ने लूट के सामानों के साथ पांच लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनकी पहचान सद्दाम हुसैन उर्फ गुड्डू पुत्र जिब्रील अहमद निवासी मुंडेरी गढ़वा थाना पिपराइज, कृष्ण मोहन यादव पुत्र रामजीत यादव पोखरा टोला कस्बा व थाना पिपराइज, विनय कुमार पुत्र राम आधार प्रसाद निवासी मुंडेरी गढ़वा थाना पिपराइज, पवन राजभर पुत्र राम निवास राजभर निवासी हरखापुर थाना पिपराइज तथा सोनू कुमार यादव पुत्र रामप्रीत यादव निवासी वार्ड नंबर 10 शास्त्री नगर थाना पिपराइज के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 315 बोर का एक तमंचा, एक हुका कारतूस, एक जिंदा कारतूस, 10,000 रुपये नगद, एक मोटरसाइकिल, दो आधार कार्ड, दो मोबाइल, एक 12 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने कहा, मोबाइल से अभी तक फेक हुआ, मतलब जितने मोबाइल से बात की गई सद्दाम के ही मोबाइल से, सद्दाम पास दो सिम थे, वही सद्दाम ही एक सिम यूज करते थे। इस तरीके से व्यापार वाले जितने लोग थे तो सद्दाम ही मेन इसमें थे। सद्दाम जितनी घटनाएं हुई सभी घटनाओं में शामिल है, बाकी इनके साथी तो एक दो इधर उधर होते रहे सभी घटनाओं में, सद्दाम सभी घटनाओं में। और मोबाइल और जो ये पिस्टल तमंचे जो है, सद्दाम पहले मुंबई में ऐसे मतलब लेवरी टोरा करते थे बम्बई में, इनसे उसे दोस्ती हो, वहीं से कहीं तमंचे मंचे इकट्ठा किए ये, और यही तमंचे रखे थे, यही अपने जैसे सब तमंचे मंचे ही रखते थे। जैसे जाना है किसी घटनाक्रम में तो कभी कृष्ण मोहन को तमंचा दिया, कभी किसी को तमंचा दिया, यही रखते थे। और घटना उटना हो जाती है फिर ये रख लेते थे। सद्दाम नवे पड़े हो सात पड़े अच्छा सात के लिए लोगों को डालने नहीं, तमंचा ये तो नहीं पंचा है। अब कृष्ण मोहन यादव बताइए, मतलब कृष्ण मोहन कितना पड़े क्या करते थे? एल्युमिनियम कंपनी में हेल्पर थे। ये बीए सारा गैंग जो है पिपराइज थाना अंतर्गत है। सोनू यादव कितना पड़े तुम परिवार? ये इसके परिवार में इंटरलॉकिंग की यही सबसे थोड़ा ठीक घर से है, वही एडमिट सोनू यादव समझ रहा हूँ, तो ये थोड़ा अपना ठीक ठाक है। पवन का क्या है? पवन राजभर कितना पड़े हो? सात आठ। ये गैंग जो है बहुत बढ़िया प्रकाश में आया है, इतनी ज़्यादा उम्र के नहीं है, लेकिन ये अच्छी खासी संख्या में है। पांच आदमी हमने पकड़ लिए हैं, दो तीन इनके और साथी जो हैं जो इनके साथ घटनाओं में हैं उनको भी हम लोग पकड़ेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो सद्दाम हुसैन है ये गैंग का एक तरह से सरगना है और इसका मुर्गे का फार्म है, मुर्गे के व्यवसाय में है। तो यह जो जिन लोगों को आवश्यकता होती थी उनको फ़ोन करता था कि आओ हमारे पास, वजह मुर्गे की सप्लाई होगी, पैसा लेके बुलाता था, अपने साथियों के साथ मिलकर लूट लेता था। इसके अलावा भी थाना कैंट क्षेत्र में एक स्कूटी सवार से 5,000 रुपये इसी इन्हीं लोगों द्वारा जो छीने गए हैं। तो कुल मिला जुला के एक अरवली बाजार में और दो तीन मुकदमे जो है, और जो गत रात्रि में इनके साथ जो है मुठभेड़ हुई है, वो जो मुठभेड़ द्वारा के जो है मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। ये नया उभरता हुआ दुर्दांत गैंग है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये इनसे जो है तमंचों की जो है बरामदगी हुई है, इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। कितनी कितनी रुपए बरामद किया गया, लूट के कितना? लगभग इन पाँचों से जो है 30,000 रुपये बरामद किए गए हैं, दो तमंचे बरामद किए गए हैं, एक 12 बोर का, एक 315 बोर का, और वही मोबाइल फोन बरामद हुआ है। एक पिस्टल इनके पास और भी था जो मतलब खाली डराने के लिए यूज करते थे, वो लाइट पिस्टल था, इंडस्ट्री पिस्टल था। उसके अलावा जो मोबाइल जिस मोबाइल से बुलाते थे या यहाँ पे जो मोबाइल छीना था मोबाइल भी बरामद। कहाँ पे मुर्गा फार्म है इनका? मटिहनिया पड़ती है।